हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप लोग कंफ्यूज्ड होगे कि जेबोजुन का बेटा कब हुआ एंड कैसे। जेबोजुन तो मैरिड नहीं है। तो गाइस, जैसे लांगवांग जी के एक से आयुवान हुआ था, वैसे ही जेबोजुन के एक से उसका बेटा हुआ था। अब उसके बेटे का नाम तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो जिंगी ही होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड वुइंग अब मैरिड है एंड 7 महीने हो चुका है उनका शादी का। वो दोनों बहुत हैप्पी थे आयुवान के साथ एंड देन वुइंग का तबीयत ख़राब होने लगा। डॉक्टर ने भी कहा कि वुइंग को यिलिंग जाना चाहिए एंड रिजनफुल एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहिए। तो लंजा एंड वुइंग यिलिंग चले गए एंड वो लोग वुइंग के पुराने घर पर ही गए जो जंगल के बीचों बीच था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को जब वुइंग नींद से उठा, वो लंजा के बाहों में था। नींद से उठते ही उसे वॉमिटिंग आ रही थी, तो वो दौड़ के बाथरूम पे चला गया वॉमिटिंग करने के लिए। जब वो वॉमिटिंग कर रहा था, उसे फील हो रहा था कि कोई उसके हेयर को जेंटली सहला रहा है एंड ऑफ कोर्स वो और कोई नहीं, लंजा था। लंजा के ऐसे जेंटलनेस देख के विंग को रोना आ रहा था, उसे बहुत ही इमोशनल फील हो रहा था। लंजा ने विंग के आंसू पूछा तो विंग ने कहा, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ है, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लंजा ने विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया एंड बेड पर लेकर गया और कहा, सॉरी मत बोलो, मुझे भी पता नहीं तुम्हें क्या हुआ है, बट विंग आई प्रॉमिस मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा एंड टेक केयर करूँगा। ये सुन के विंग का हार्ट मेल्ट हो गया, वो ब्लश करने लगा। वो सोच रहा था कि वो कितना लकी है कि उसे लांगवांग जी मिला है, बट कहीं ना कहीं विंग को गिल्टी फील भी हो रहा था। वो सोच रहा था कुछ तो गलत है, उसका एनर्जी इतना कम कैसे होते जा रहा है, क्या वो मर जाएगा। ऐसे मरने के बाद सोचते ही विंग के पूरे बॉडी में गुजबम्स आ गए। वो डर गया, वो अभी मरना नहीं चाहता, स्पेशली अब जब उसके पास सब कुछ है, जब वो मैरिड है, एक पेरेंट है एंड हैप्पी है। विंग ये सभी सोच रहा था। लंजा विंग को नहाने के लिए लेकर गया बाथटब पे। देन वो विंग को बहुत ही जेंटली नहला रहा था। नहाने के बाद वो दोनों किचन में गए। लंजा विंग के लिए एक बहुत ही नॉर्मल खाना बनाने लगा, क्योंकि विंग जो भी खा रहा है वो वॉमिट कर रहा है। तो लंजा ने विंग को कहा कि अगर वो इसे खा सकता है तभी वो इसे खाए, वरना ना खाए। विंग ने छोटा सा बाइट लिया एंड उसने देखा कि उसने थ्रो नहीं किया, वो इसे खा सकता है। ये देख के विंग ने रिलीफ फील किया। देन उसने थोड़ा सा खाना खाया एंड देन उसने कहा, आई थिंक मुझे बुरियल माउंट्स जाना होगा बिकॉज वहाँ पर बहुत रिसेंटफुल एनर्जी है। मैं फॉरेस्ट में इसलिए रहता था क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, बट कल्टिवेट करने के लिए बुरियल माउंट्स बेस्ट है। इससे पहले विंग खड़ा होता, लंजा ने विंग को अपने बाहों में उठा लिया और कहा, समझ गया। ये बोल के लंजा विंग को बुरियल माउंट्स लेकर गया। बुरियल माउंट्स जाके विंग लोटस पोजिशन में बैठ गया एंड वो मेडिटेट करने लगा एंड एनर्जी कलेक्ट करने लगा एंड लंजा उसके पास ही था, वो गुजिन प्ले करने लगा। लंजा गुजिन प्ले करने से विंग को थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। कुछ टाइम बाद लंजा एंड विंग अपने घर लौट गए, यिलिंग पे। विंग को अभी भी वीक फील हो रहा था, बट हाँ, अब वो अपने पैरों में चल सकता था, जो वो पहले नहीं कर पा रहा था। एक हफ्ता बीत गया एंड ये पूरा हफ्ता बहुत ही रफ था विंग के लिए एंड लंजा के लिए। अब विंग का हालत और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रहा था। वो बहुत वॉमिटिंग कर रहा था एंड बहुत टायर्ड फील कर रहा था। अब उसे डर लग रहा था एंड कहीं ना कहीं लंजा को भी डर लग रहा था। वो विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगा हर रोज़। उन लोगों ने ड्यूअल कल्टीवेशन भी किया एंड इससे थोड़ा सा हेल्प हुआ, बट कुछ भी नहीं हो रहा था। विंग का हालत और भी वर्स होते जा रहा था। अब विंग रिसेंटफुल एनर्जी के साथ साथ लंजा से नॉर्मल स्पिरिचुअल एनर्जी भी लेने लगा एंड इससे थोड़ा हेल्प हो रहा था, बट विंग का हालत अभी भी ठीक नहीं हो रहा था। वो और भी इल फील कर रहा था। उसे फील हो रहा था कि कुछ तो है जो उसका एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था एंड अब उसे अपने बेटे की भी याद आ रही थी। वो आयुवान को बहुत मिस कर रहा था। इसके लिए लंजा ने पॉन्ड के थ्रू आयुवान से कनेक्ट भी किया। विंग ने उससे बात भी की, पर स्टिल आयुवान से वो मिलना चाहता था। उनका वीक ऐसे ही बीत गया, उनका एक रूटीन बन चुका था। लंजा उसे हर रोज़ स्पिरिचुअल एनर्जी फीड कराता था, बट विंग का कंडीशन अभी भी ठीक नहीं हुआ था और भी वर्स होते जा रहा था। बट हाँ, एटलीस्ट वो अपने पैरों में चल पा रहा था। विंग को फील हो रहा था कि वो जितने भी एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है
वो सारे एनर्जी कहीं पर जा रहा है, कोई उसे एब्जॉर्व कर रहा है, बट वो कौन सी चीज़ है वो इनको समझ में नहीं आ रहा था। देन फाइनली एक दिन किसी ने लंजे के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया। लंजे एंड विंग पॉन्ड के पास आए तो उन लोगों ने देखा कि ज़ेबुजुन उनके साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ज़ेबुजुन का फेस बहुत ही वरीड था। ज़ेबुजुन ने कहा, भाई जल्दी सेक्ट वापस आ जाओ, डॉक्टर्स वीविशन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तुम्हें यहाँ पर जल्दी आना होगा। ये सुन के विंग बहुत डर गया, वो ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था, बट लंजे ने उसे पकड़ लिया। लंजे ने कहा, समझ गया, हम अभी निकलते हैं। उन लोगों ने कॉल को डिस्कनेक्ट किया। देर लंजा विंग को कैरी करके फ्लाई करने लगा। विंग को फिर से बहुत ही अजीब फील हो रहा था, उसे वॉमिटिंग आ रहा था, बट उसने जर्नी में अपने आप को कंट्रोल किया एंड बहुत जल्दी वो लोग घुस में पहुँच गए। एंड घुस में पहुँचते ही विंग वॉमिटिंग करने लगा एंड लंजा विंग के बैक को रब करने लगा। विंग के वॉमिटिंग हो जाने के बाद लंजा विंग को कैरी करके डॉक्टर के रूम पर लेकर गया। डॉक्टर के रूम पर लंजा एंड विंग के अलावा वहाँ पर ज़ेबुजुन, लान युआन एंड अंकल भी थे। विंग बेड पर बैठा हुआ था एंड लंजे भी उसके साथ था। डॉक्टर विंग को चेक कर रहे थे। लंजा को देखकर लग रहा था कि विंग को टच करने की वजह से वो डॉक्टर को मार ही देगा, बट ऑफकोर्स लंजा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विंग को चेक करने के बाद डॉक्टर ने शाई किया, जैसे कि उन्हें रिलीफ फील हुआ है। ये देख के विंग सोच रहा था, उन्हें रिलीफ फील क्यों हो रहा है, विंग का हालत तो बहुत ख़राब है ना। तभी डॉक्टर ने कहा, थैंक गॉड कि तुम्हारा कंडीशन स्टेबल है, मुझे माफ़ करना, मुझे इतना टाइम लग गया तुम्हारी हालत को समझने में। ये बोल के डॉक्टर ने वो किया। लंजा एंड विंग पेशेंटली वेट करने लगे। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें और भी प्योर एनर्जी की ज़रूरत है, तो तुम्हें गुसुलन के केप में जाना होगा कल्टीवेशन करने के लिए, एंड मास्टर वांग जी को तुम्हारे साथ भी रहना होगा ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके। तुम्हें और भी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्व करना होगा, तुम्हारे अंदर बहुत सारा रिसेंटफुल एनर्जी है, इसके लिए तुम्हारा बॉडी बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तुम्हें प्योर एनर्जी भी लेना होगा ताकि तुम्हारा बॉडी बैलेंस कर पाए एंड उसे प्योर एनर्जी मिल सके। ये सुन के विंग ने कहा, हाँ वेट, क्या मतलब उसे एनर्जी मिल सके, अब क्या बोल रहे हैं। ये सुन के डॉक्टर ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने क्लियरली नहीं कहा, मास्टर विभूषियन आप प्रेग्नेंट है एंड आपका बेबी आपकी एनर्जी ले रहा है। ये सुन के सब लोग शॉक्ड हो गए, विंग भी। विंग ने ज़ेबुजुन, आईयुआन एंड अंगल की तरफ देखा, वो तीनों हैप्पीली शॉक्ड थे। देन विंग ने लंजे की तरफ देखा, लंजे भी उसे ही देख रहा था एंड लंजा स्माइल कर रहा था, एक जेन्युइन स्माइल जो विंग पहली बार देख रहा था। लंजे ने विंग को टाइटली हक कर लिया। आईयुआन भी उसके पास आया एंड आईयुआन ने भी उन दोनों को टाइटली हक कर लिया। आईयुआन ने कहा, मेरा एक बेबी सिबलिंग होगा। ये बोल के आयुवन बहुत हैप्पी होने लगा। विंग अभी तक शॉक था बट वो स्माइल कर रहा था, उसने भी आयुवन को टाइटली हक कर लिया। विंग को अंदर अंदर बहुत ही हैप्पी फील हो रहा था, ये स्ट्रेंज था, उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। उसने कहा, मुझे पता नहीं था। तभी अंकल ने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, आपने कहा कि उसका कंडीशन स्टेबल है, तो क्या अभी उसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा, स्टेबल अभी के लिए है बट वो बहुत वीक है, उसे बहुत विटामिन्स की एंड प्योर एनर्जी की ज़रूरत है, ये सारे चीज़ वो चाइल्ड उसके बॉडी से ले रहा है। देन डॉक्टर ने अंकल को कहा कि उन लोगों को क्या करना चाहिए। इस तरफ लांग वांग जी विंग एंड आईवन को प्रोडक्टिवली हक किया हुआ था, जैसे कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि रूम पे उन तीनों के अलावा और भी कोई है। तभी ज़ेबुजुन ने बोक किया और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, मैं प्रे करता हूँ कि आपका चाइल्ड बहुत ही हेल्दी एंड स्ट्रांग हो, अभी मुझे यहाँ से जाना चाहिए, बट अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक बुलाना, ओके। ये बोल के ज़ेबुजुन ने वो किया एंड देन वो रूम से चले गए। अंकल भी हैप्पी थे बट ऑफकोर्स वो इसे दिखाएंगे नहीं, तो उन्होंने कहा, वांग जी उसे कल्टिवेशन केप पे लेकर जाओ एंड उसके पास में जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर तुम दोनों रहोगे, मैं वहाँ पर हर रोज़ विटामिन्स एंड फूड डिलीवर कर दूंगा एंड डॉक्टर्स एवरी वीक तुम्हें चेक करने जाएंगे। वांग जी उसका ख्याल रखना, देखना वो हेल्दी रहे, अपना ड्यूटी फुलफिल करना। ये बोल के अंकल वहाँ से चले गए। सबका ऐसा केयर देख के विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था, उसकी आंखें में आंसू आ गया बट वो स्माइल भी कर रहा था, वो बहुत हैप्पी था।
हाँ, उसका बॉडी वीक था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था अपनी बॉडी की कंडीशन की वजह से, बट वो अंदर ही अंदर बहुत हैप्पी था। बिकॉज विंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये पॉसिबल होगा। उसे लगता था कि वो इनफर्टाइल है, क्योंकि वो बहुत ज़ोर से बुडियल माउंट्स पर गिरा था एंड वो बहुत इंजर्ड हुआ था। उसे लगा था कि वो कहीं भी फिर से पेरेंट नहीं बन पाएगा, बट अब वो पॉसिबल हुआ है एंड इसके लिए विंग बहुत हैप्पी है। अब उसका एक बिगर फैमिली होने वाला है एंड इतने टाइम से विंग के अंदर जो मरने का डर था वो चला गया। अब कुछ महीने बाद विंग के एक बेबी गर्ल हुआ जो बहुत रो रही थी। विंग ने उसे अपने बाहों में उठाया एंड वो उसे देखने लगा। ये बर्थ प्रोसीड्योर बहुत ही पेनफुल था, विंग ने कभी सोचा भी नहीं था, बट रिजल्ट बहुत ही अच्छा हुआ। उसका एक ब्यूटीफुल बेबी गर्ल हुआ जो बहुत स्मॉल है एंड बहुत स्ट्रांग। उसका लार्न ड्रैगन हॉर्न्स है बट उसका ईयर्स फॉक्स जैसा है एंड उसका विंग की तरह टेल भी है, बट विंग का टेल ब्लैक कलर का है एंड उसका टेल वाइट कलर का। वो एक ड्रैगन एंड फॉक्स का स्ट्रेंज मिक्सर है, बट फिर भी वो बहुत ही लवली है एंड विंग बहुत हैप्पी है उसे पाकर। बेबी होने के बाद विंग को फिर से मेडिटेट करना होगा एंड एनर्जी कलेक्ट करना होगा ताकि उसका बॉडी ठीक हो सके। तो वो जब भी मेडिटेट करता है तब उसका हस्बैंड एंड उसका बेटा उसके बेबी का केयर करते हैं। लांगवांग जी एंड आई वन हमेशा विंग का एंड लिटिल बेबी का केयर करते हैं एंड उन दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं एंड वो दोनों हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। एंड आई वन अपने सिबलिंग का बहुत ख्याल रखता है, वो उसके साथ खेलता है, बातें करता है एंड ये सब देख के विंग को इतना अच्छा फील होता है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब विंग को लगता है कि वो कंप्लीट है। अपने फैमिली को ऐसे एक साथ हैप्पी देख के विंग के आंखों में आंसू आ जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ज़िंदगी में इतना हैप्पीनेस मिलेगा। विंग सच में बहुत हैप्पी है, बहुत हैप्पी। एंड इस हैप्पीनेस के साथ ही हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म होता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट एंड ये फैन फिक्शन, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में। तब तक के लिए टेरा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।